हेलो स्टूडेंट, केजे नॉलेज हब के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आइए आज हम लोग केजे नॉलेज हब के सामान्य ज्ञान भाग 37 में 25 नए प्रश्नों के ऊपर चर्चा करते हैं। स्टूडेंट, हमारा पहला सवाल है, यदि 3√3 के पावर n इक्वल 81 हो तो n का मान क्या होगा। तो देखते हैं, 3√3 का पावर n इक्वल 81 है का मतलब होगा 3√3 का पावर n इक्वल 3 का पावर 4। दोनों तरफ वर्ग करते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, तो 3 के पावर n इक्वल 3 का पावर 4 × 2। तो 3 के पावर n इक्वल हो जाएगा 3 का पावर 8। 3 से 3, ये दोनों जो है इसके बेस है, तो इसलिए n बराबर हो जाएगा 8। हमारा उत्तर होगा 8। हमारा दूसरा सवाल है, सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो देखते हैं, सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। यह सूर्य के अल्ट्रावायलेट रे को इंफ्रारेड रे में कन्वर्ट कर देता है, जिससे सोलर कुकर में पकने वाला भोजन आसानी से पकता है। तो हमारा उत्तर होगा अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। इसमें एक बॉक्स लगा होता है, बॉक्स में जो है मिरर लगे होते हैं, दर्पण लगे होते हैं, जो सूर्य के अल्ट्रावायलेट रे को इंफ्रारेड रे में कन्वर्ट कर देता है अवतल दर्पण, और भोजन आसानी से पक जाता है। अगला सवाल है, प्रश्न संख्या 3, रॉक गार्डन का निर्माण किसने किया, लुटियंस ने, कार्बूजियर ने, नेकचंद ने या प्रेमचंद ने। 1956-57 में सुखना लैक चंडीगढ़ के नज़दीक एक रोड इंस्पेक्टर थे, जो रोड इंस्पेक्शन का काम करते थे, नेकचंद सैनी। उन्होंने 40 एकड़ के क्षेत्र में चंडीगढ़ में जो वस्तुएं, खराब वस्तुएं फेंक दी जाती थी, उनको इकट्ठा करना शुरू किया और 1957 से इसमें काम शुरू किया। रॉक गार्डन का निर्माण उन्होंने शुरू किया। 1976 में रॉक गार्डन का उद्घाटन किया गया। तो हमारा उत्तर होगा नेकचंद सैनी। लुटियंस ने दिल्ली शहर को बसाया था, कार्बूजियर ने चंडीगढ़ शहर को बसाया था। साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ, चौथा प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत कब आया, 1919 में, 1925 में, 1928 में या 1930 में। तो 1919 में मांसटेंगसू चेम्सफोर्ड सुधार हुआ था भारत में, उसकी देखरेख के लिए इंग्लैंड में जो कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी, उसने 1929 की अपेक्षा 1927 में, नवंबर 1927 में सर साइमन के नेतृत्व में, सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक कमीशन का गठन किया गया, जिसमें 7 अंग्रेज सदस्य बनाए गए थे, साइमन कमीशन। और यह साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को मुंबई पहुंचा, जहां पर इसका जोरदार ढंग से विरोध हुआ। इस साइमन कमीशन, यह साइमन कमीशन जहां जहां गया भारत के जिन जिन क्षेत्रों में, वहां इसका व्यापक विरोध हुआ। 30 अक्टूबर 1928 को जब लाहौर साइमन कमीशन पहुंचा, तो भारत के राष्ट्रवादी नेता लाला लाजपत राय के नेतृत्व में इसका विरोध किया गया, जिसमें लाला लाजपत राय पर लाठियों के द्वारा प्रहार करने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। और साइमन कमीशन
जो है वह उसको भारत से लौटना पड़ा। तो हमारा उत्तर होगा 3 फरवरी 1928, 3 फरवरी 1928 को यह मुंबई पहुंचा था। मुंबई यानी उस समय बंबई कहा जाता था और इसका गठन हुआ था नवंबर 1927 में। 7 सदस्य थे और सर जॉन साइमन इसके अध्यक्ष थे। अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन साइमन और सदस्यों की संख्या 7 थी। इसमें एक भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था। स्टूडेंट अब हम लोग प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं। हाँ तो देखते हैं स्टूडेंट, प्रश्न संख्या 5 है, किसी धन राशि का निश्चित ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज क्रमशः 520 रुपये एवं 500 रुपये हैं, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। तो क्या होगा, एक छोटा सा एक फार्मूला है, दर बराबर यानी दर को निकालने के लिए ब्याज का अंतर बराबर मूलधन गुने दर गुने समय, मूलधन गुने दर बटे समय गुने 100। तो ब्याज का अंतर देखते हैं, 520 में से 500 को घटाते हैं तो अंतर आता है 20। तो यहाँ हम रख देंगे 20 बराबर मूलधन हम मानते हैं एक साल के लिए 500 रुपया है, तो मूलधन हमारा हो जाएगा 500 गुने दर हमको पता नहीं है आर बटे समय जो है 2 वर्ष है और गुने 100, तो 2 से इसको काटते हैं तो 250, 25 दहाई 100, 25 चौके 100, 4 से 20 चौका 80। तो अगले स्टेप में 20 चौका 80, 80 बराबर हो जाएगा 10 आर, तो आर बराबर हो जाएगा 80/10, 10 × 80 बराबर 8%। एक ये तरीका है, हमारा उत्तर 8% होगा। एक और तरीका है जिसकी सहायता से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बराबर 1/2 गुने 500 पर 1 वर्ष का ब्याज। साधारण ब्याज, तो इस तरीके से अंतर जो है 20 रुपया है बराबर 2 से 250। तो 250 गुने 1 गुने आर बटे 100 काटते हैं इसको तो 25 × 25 आर 20 दहाई 200 बराबर 25 आर, तो आर बराबर हो जाएगा 200/25, 25 × 200 बराबर 8%। इस तरीके से भी हम साधारण ब्याज को
और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर को ज्ञात कर सकते हैं। हमारा दूसरा सवाल है, छठा सवाल, इनमें से किस किरण की विभेदन क्षमता सर्वाधिक होती है? ऑप्शन है एक्स किरण, गामा किरण, बीटा किरण या अल्फा किरण। तो अल्फा किरण की आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है, जबकि विभेदन क्षमता सबसे अधिक गामा किरण की होती है। 1896 में हेनरी बैकरल ने 1900 में हेनरी बैकरल ने गामा किरण की खोज की थी। ये ऐसी किरण थी जिसमें ना द्रव्यमान था और ना ही यह एक विद्युत चुम्बकीय तरंग था जिसमें कोई द्रव्यमान नहीं था और कोई आवेश नहीं था, लेकिन इसकी विभेदन क्षमता सबसे अधिक थी। मतलब यह 30 सेंटीमीटर के वस्तु को आसानी से पार कर सकती है। तो हमारा उत्तर होगा गामा किरण। गामा किरण खोजकर्ता थे फ्रांस के न्यूक्लियर वैज्ञानिक, रेडियो एक्टिव वैज्ञानिक हेनरी बैकरल। अगला सवाल है, भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन है? विप्रो, इंफोसिस, टीसीएस यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड, इनमें से कोई नहीं। तो 1968 में टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड की स्थापना टाटा संस के द्वारा की गई थी और वर्तमान में यह भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। टीसीएस, टीसीएस यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड, ये भारत की वर्तमान में सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। अगला सवाल है, भारत का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग कौन है? तो भारत का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग कौन है? सदिया धुबरी, जो ब्रह्मपुत्र नदी में है, इसकी लंबाई 891 किलोमीटर है। हल्दिया वाराणसी, ये जो है गंगा हुगली नदी में जो है बनाई गई है। ये भारत का वाटरवे संख्या एक है, इसकी लंबाई 1620 किलोमीटर है। कोल्लम कोटापुरम, ये आंध्र प्रदेश में अवस्थित है और इसकी लंबाई 961 किलोमीटर है। कोलकाता वाराणसी, ये कोई जो है हल्दिया वाराणसी वाटरवे का ही एक भाग है। तो हमारा उत्तर होगा हल्दिया वाराणसी, हल्दिया वाराणसी, हल्दिया वाराणसी, इसकी लंबाई जो है 1620 किलोमीटर है, 1620 किलोमीटर। हमारा सवाल संख्या 9 है, कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ अवस्थित है? कर्नाटक में, तमिलनाडु में, गुजरात में या राजस्थान में? तो राजस्थान में पोखरण रेंज में जो है एक परमाणु विद्युत संयंत्र है, गुजरात में भी एक विद्युत संयंत्र है, तमिलनाडु में कल्पकम में एक विद्युत संयंत्र है और कैगा जो है कर्नाटक में परमाणु विद्युत संयंत्र है। कर्नाटक कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र जो है कर्नाटक में अवस्थित है। इसकी स्थापना 2000 में हुई थी, 16 नवंबर 2000 को यह काम करना शुरू किया था, 16 नवंबर 2000 को। तो स्टूडेंट अब हम लोग प्रश्न संख्या 10 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संचरण क्या कहलाता है? प्रकीर्णन, चालन, संवहन या विकिरण? तो आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संचरण संवहन कहलाता है, संवहन कहलाता है, इसको संवहन कहते हैं, संवहन। प्रश्न संख्या 11 है, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? मीटर, वाट, डायोप्टर या वोल्ट? तो लेंस की शक्ति, लेंस की शक्ति बराबर होता है 1 मीटर बटे f। इसको डायोप्टर में, डायोप्टर कहते हैं, डायोप्टर। हमारा उत्तर होगा डायोप्टर, डायोप्टर, डी से इसको सिंबलाइज किया जाता है। ओतल लेंस का
जो लेंस की क्षमता की इकाई है वह धनात्मक होती है और अवतल लेंस के लेंस की क्षमता की इकाई ऋणात्मक होती है। अगला सवाल है प्रश्न संख्या 12, जल में सबसे कम घुलनशील गैस कौन है, अमोनिया, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो जल में सबसे कम घुलनशील गैस इसमें है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है सबसे कम मात्रा में घुलता है। कांसा किसका मिश्र धातु है, तांबा और टीन का, तांबा और जिंक का, तांबा जिंक और निकेल का, इनमें से कोई नहीं। तो तांबा जिंक और निकेल के मिश्र धातु को कहते हैं जर्मन सिल्वर, तांबा और जिंक के मिश्र धातु को कहते हैं पीतल, तांबा और टीन के मिश्र धातु को कहते हैं कांसा, ब्रास, कांसा। ये हमारा उत्तर होगा Cu+Sn, यानी तांबा और टीन, तांबा प्लस टीन। प्रश्न संख्या 14 है, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिकम, मैलिकम, टार्टरिकम या ऑक्जेलिकम। तो टमाटर लैक्टिक अम्ल जो है दूध में पाया जाता है, मैलिक अम्ल सेव में पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल इमली में पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल जो है टमाटर में पाया जाता है, टमाटर में पाया जाने वाला अम्ल है ऑक्जेलिक अम्ल। इसके अलावा थोड़ी सी मात्रा में सिट्रिक एसिड भी टमाटर में पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल इमली में पाया जाता है, मैलिक अम्ल सेव में और लैक्टिक अम्ल दूध में। हमारा अगला सवाल है 15 नंबर सवाल, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी। तो मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना 31 मार्च 1867 को हुई थी। अब किसने की थी, आत्माराम पांडुरंग ने, एम जी रानाडे यानी महादेव गोविंद रानाडे ने, पंडित रमाबाई ने या एक और दो, दोनों ने। तो हमारा उत्तर होगा एक और दो, दोनों ने, मतलब आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रानाडे ने 31 मार्च 1867 को मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। हमारा उत्तर होगा आत्माराम पांडुरंग प्लस एम जी रानाडे। स्टूडेंट अब हम लोग प्रश्न संख्या 16 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 16 है, पुल्स आई का संबंध किस खेल से है, कबड्डी से, निशानेबाजी से, सांढों की लड़ाई से या गोल्फ से। तो बुल्स आई शब्द का संबंध जो है निशानेबाजी से है, निशानेबाजी में इस शब्द का प्रयोग किया जाता है, बुल्स आई, निशानेबाजी। हमारा अगला सवाल है, विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है, के आर नारायणन, अटल बिहारी वाजपेयी, APJ अब्दुल कलाम या मनमोहन सिंह। तो 1999 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और अरुण तिवारी ने विंग्स ऑफ फायर यानी अग्नि की उड़ान नामक पुस्तक की रचना की थी, अरुण तिवारी और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने। तो हमारा उत्तर होगा APJ अब्दुल कलाम, कलाम। साल था 1999, अग्नि की उड़ान। हमारा अगला सवाल है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी संयुक्त राज्य अमेरिका अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है, किस जून को, 5 जून को, 4 जुलाई को या 24 अक्टूबर को। तो 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस के रूप में मनाया जाता है, 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है, 21 जून जो है यह विश्व योगा दिवस के रूप में मनाया जाता है, जबकि 4 जुलाई 1776 को अमेरिका ने ब्रिटिश हुकूमत से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी 4 जुलाई को, और अमेरिका जो है 4 जुलाई को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। तो हमारा उत्तर होगा 4 जुलाई। घोषणा कब हुआ था, 4 जुलाई 1776 को अमेरिका ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। हमारा अगला सवाल है, सिक्किम को राज्य का दर्जा कब मिला,
सिक्किम को राज्य का दर्जा कब मिला? 1975 में, 1981 में, 1987 में या 1990 में? तो 36वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को 1975 में भारत का 22वां राज्य बनाया गया था। संविधान का संशोधन था 36वां, तो हमारा उत्तर होगा 1975 में 36वें संविधान संशोधन के द्वारा संशोधन के द्वारा सिक्किम को भारत का 22वां राज्य घोषित किया गया। सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया 1987 में। 3 नए राज्यों के का निर्माण किया गया था, ये था गोवा, मणिपुर और मिजोरम। ये 3 राज्य बनाए गए थे, गोवा, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, ये 3 राज्य जो है 1987 में बनाए गए थे। हमारा अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र संघ की कौन सी संस्था विश्व शांति के लिए उत्तरदायी है? महासभा यानी जनरल असेंबली, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सुरक्षा परिषद या WHO? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की कौन सी संस्था विश्व संस्था के लिए, तो सुरक्षा परिषद जो है ये विश्व संस्था के लिए उत्तरदायी है। सुरक्षा परिषद इसमें 5 अस्थाई सदस्य हैं जिनको वीटो का अधिकार दिया गया है और 10 अस्थाई सदस्य हैं। वर्तमान में भारत भी सुरक्षा परिषद का अस्थाई सदस्य है। ये 5 सदस्य हैं, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन और रूस, जिनको वीटो का अधिकार है। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? वरुण का, शनि का, अरुण का या बृहस्पति का, यानी नेपच्यून का, सैटर्न का, यूरेनस का या जुपिटर का? तो टाइटन शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन, और हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह उपग्रह जो है बृहस्पति का गैनीमेड है, और टाइटन शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। इसकी खोज 1655 में हाइगेंस ने की थी। तो हमारा उत्तर होगा शनि। हमारा अगला सवाल है, 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? तो 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीमीटर। तो इसको हम गुना करते हैं तो 1000 × 100 × 10 मिलीमीटर, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 1 किलोमीटर में 10 लाख मिलीमीटर होते हैं। हमारा उत्तर होगा 10 लाख मिलीमीटर। हमारा अगला सवाल है, इनमें कौन सा यौगिक एक आयनिक यौगिक है? आयनिक यौगिक जिसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग और ग्रहण होता है। तो देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड में जो है कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, C2H5OH यानी एथाइल एल्कोहल में भी कोवेलेंट बॉन्ड है, NH3 में भी कोवेलेंट बॉन्ड है, जबकि KCl में इलेक्ट्रॉन का त्याग पोटेशियम करता है और क्लोरीन उस त्यागे गए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। तो आयनिक यौगिक का उदाहरण KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड होगा।
हमारा अगला सवाल है, आनुवंशिकता की इकाई क्या है? आनुवंशिकता की इकाई क्या है, जीन, डीएनए, आरएनए या गुणसूत्र? तो आनुवंशिकता की इकाई जो है जीन है। डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं, तो आनुवंशिकता की इकाई जीन है। हमारा अंतिम सवाल है, ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसने की थी? सीवी रमन ने यानी चंद्रशेखर वेंकट रमन ने, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर यानी एस चंद्रशेखर ने, एस रामानुजन ने या सत्येंद्रनाथ बोस ने? तो ब्लैक होल सिद्धांत की खोज के लिए डॉक्टर एस चंद्रशेखर को 1983 में नोबेल पुरस्कार, भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था। ये डॉक्टर सीवी रमन के भतीजे थे और ये भारतीय अमेरिकी हैं। तो हमारा उत्तर होगा डॉक्टर एस चंद्रशेखर, आंसर होगा सुब्रमण्यम चंद्रशेखर या एस चंद्रशेखर, चंद्रशेखर। तो स्टूडेंट, आज हमने आपके समक्ष 20 प्रश्नों को प्रस्तुत किया। ये एनटीपीसी की आगामी होने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। आप को अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हमारे अगले वीडियो का इंतजार करें। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं, धन्यवाद।